चिकन ये हम 500 ग्राम चिकन लिए, अच्छे से धुलाई कर लिए। और आज हम सूखा टाइप का कुछ चिकन दिखाएं बिना पानी ऐड करके बिल्कुल। आइए आलू लिए, आइए प्याज हम छोक में देंगे, आइए मसाला का लिए, ये अदरक है, ये लहसुन है, आइए प्याज है, हमें ये तीनों चीज़ का, इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, ये तीनों चीज़ का मसाला बना लेंगे। चलिए आप रेसिपी देखिए। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल ऐड कर देते हैं। और हम मसाला पीस लिए जो आपको दिखाया हमने, लहसुन प्याज अदरक और जीरा, चारों चीज का तेल गर्म होने देते। और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसने किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। हम आलू को पहले फ्राई कर लेंगे। चिकन में आलू बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप नहीं खाए होंगे तो आप बना के खाइएगा चिकन में आलू। मैं झोल वाला भी रेसिपी दिया हूँ चिकन का, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, जो मैंने झोल वाला एकदम बंगाली टाइप का पतला झोल दिया हूँ, वो भी जाके आप देख सकते हैं चैनल पे। आलू को फ्राई होने देता अच्छा से, देखो आलू फ्राई हो चुका है, निकाल देते हैं। हल्का सा लाल करके फ्राई किए, अब इसमें थोड़ा जीरा का छोक देंगे। और जो हमारा प्याज है वो भी हम ऐड कर देंगे, जो हम काट कर सकते हैं। हमारा जो चिकन है वो भी हम डाल देंगे इसमें, चिकन को भी अच्छे से हल्दी और नमक देकर फ्राई करेंगे। 500 ग्राम चिकन लगाएंगे, देखिए अच्छा मसाला डाल और थोड़ा सा, जो सुबह टाइप का चिकन है तो ज़्यादा नमक चाहिए नहीं। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, अभी इसको मिला लेते हैं। तो हल्दी और नमक देकर थोड़ा फ्राई करते हैं, बाद में मसाला बाद में ऐड करेंगे, सब थोड़ा फ्राई होने देते हैं। देखिए हमारा चिकन तो फ्राई किया, एक लहसुन भी डाल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कैसे लहसुन डाल के बनेगा, मैं पहले भी दिया हूँ ऐसे रेसिपी, चिकन डाल चिकन में लहसुन डालते हैं, तो मैंने अभी आज एक डाला हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे कैसे लहसुन खाइएगा, जो लहसुन नहीं खाता है उसको भी आपको पसंद आएगा। अब देखिए इसमें हम मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, और मिर्ची पीस के नहीं दिया, मैं पाउडर यूज कर रहा हूँ, ये एक चम्मच है। हमारा मिर्ची बहुत तीखा है दोस्तों, तो आप अपना मिर्ची देख के लीजिएगा आपका मिर्ची कितना तीखा है उस हिसाब से। और जीरा मैं पीस के दिया हूँ, तो थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें, आधा चम्मच दिया हूँ, थोड़ा सा और देंगे। अब इसमें जो हमारा पीसा हुआ मसाला है वो भी ऐड करेंगे, और ये चिकन मसाला है दोस्तों, थोड़ा सा दिया हूँ, देंगे बाद में खुद से। अब ये पीसा हुआ मसाला भी ऐड कर देंगे, अब
अभी इसका में बहुत सारा मसाला लगा हुआ है, तुम तो पानी से भी ये करके देते हैं। और चिकन मसाला हम थोड़ा ऐड किया तो बाद में देंगे थोड़ा और, तो मसाला पूरा ऐड कर दिए। बस हो गया, अब इसमें जो पानी डाला इस पानी पे हम इसको फ्राई करेंगे। मसाला मिक्सर पर लगा हुआ था इसलिए हमने थोड़ा और, देखिए आलू है जो हम फ्राई करके रखे वो भी डालेंगे कि ये भी पक जाएगा। जब तक चिकन फ्राई होके पक जाएगा तब तक आलू भी पक जाएगा। इसमें चिकन मसाला भी बाकी है थोड़ा ऐड करते, अभी थोड़ा किए थे वो ख़त्म हो गया पैकेट तो इसलिए दूसरा निकालना पड़ेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आप कमेंट करिएगा मुझे आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए। आप मेरा फेसबुक फेस पे भी जाके देख सकते हैं, उसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। देखिए चिकन मसाला उधर भी हम चिकन ये मतलब वीडियो में अपलोड करता हूँ। और इंस्टाग्राम में भी जाके देखिएगा, उधर में मैं अपने चैनल का लिंक दिया है, जो भी मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं जाके आप मेरा चैनल पर आके डायरेक्ट मेरा वीडियो देख सकते हैं या कुछ जिस टाइप का वीडियो देखना है। इंस्टाग्राम में मैं अपना जो कुकिंग का जो फोटो होता है उसका रील्स बना के डालता हूँ, तो आपको जो भी उसमें से रेसिपी पसंद आता है आप आके मेरा चैनल पर देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम में भी जाके आप देख सकते हैं मेरा रील्स, मैं उधर भी हफ्ते में एक दो बार मैं रील्स डालता हूँ, रोज नहीं डाल पाता दोस्तों। अभी इसको ढक देते हैं, अभी इसको कम गैस करके एकदम अच्छा से फ्राई करेंगे कि इसमें पानी ऐड नहीं करने वाला, डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा कुकिंग। देखिए दोस्तों हमारा सूखा चिकन का रेसिपी बन गया। आपको इसका रेसिपी मतलब पूरा मिलेगा तो आप पूरा जाके देखिएगा, आप बीच में मत ये करिएगा, आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा मैंने ये रेसिपी कैसे बनाया है, क्या क्या मसाला ऐड किया है। और देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा गोटा लहसुन भी डाला है, देखिए हमारा आलू भी पक गया पूरा। तो गैस कम करके हम इसमें 10 मिनट पूरा अच्छा से फ्राई किए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो पे, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा।